आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे स्कूलों को स्किल हब में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इसकी आवश्यकता पर वार्ता करना चाहता हूं। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में डिग्री होती है, बच्चों के पास शिक्षा होती है, लेकिन बच्चों के पास स्किल का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वह बेरोजगार घूमते रहते हैं और उनके स्किल के अभाव के कारण उन्हें कोई अपना स्वरोजगार भी शुरू करने में परेशानी आती है तथा वह बेरोजगार होकर ही इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि हम स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ स्किल का भी ज्ञान दें, बच्चों को एक ना एक स्किल में पारंगत करें, ताकि बच्चे यदि कभी ज़रूरत पड़े तो उस स्किल का यूज करके वह अपने स्वरोजगार को शुरू कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। इसलिए वह बेरोजगार होकर नहीं घूमेंगे और इसलिए ज़रूरी है कि हम आज के स्कूलों को अपने स्किल हब के रूप में प्रयोग करें। सभी स्कूलों में स्किल का प्रयोग करके बच्चों को स्किल सिखाए जाए। आज NEP 2020 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि सभी स्कूलों को स्किल कोर्स शुरू करने चाहिए। CBSE ने भी सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वह कोई ना कोई स्किल कोर्स अपने स्कूलों में शुरू करें। इसलिए आज की आवश्यकता है कि हम सभी स्कूलों को स्किल हब में परिवर्तित करें, ताकि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ स्किल का भी ज्ञान दिया जा सके। भारत में स्कूलों को कौशल केंद्रों में बदलने की आवश्यकता उन्हें रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करने की है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में अधिकांश स्कूल केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अक्सर छात्रों को वास्तविक जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्कूलों को स्किल सेंटर्स के रूप में परिवर्तित किया जाए। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। 1, आवश्यकता और महत्व। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल शैक्षिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं होती। नियोक्ता ऐसे कर्मचारियों की तलाश करते हैं जो विशिष्ट कौशल और व्यवहारिक ज्ञान से लैस हों। स्कूलों को स्किल सेंटर में बदलने से छात्रों को इन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। कौशल विकास छात्रों के व्यक्तित्व को संवारने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। देश के आर्थिक विकास के लिए कौशल युक्त युवा शक्ति महत्वपूर्ण है। जब युवा सही कौशल के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वह उद्योगों की मांग को पूरा कर सकेंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि हम स्कूलों में स्किल कोर्स को शुरू करें, छात्रों को स्किल कोर्स में स्किल की ज्ञान दिया जाए, छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी न किसी स्किल में पारंगत बनाया जाए, ताकि बच्चे जरूरत पड़ने पर उस स्किल का यूज करके अपने स्वरोजगार को आगे बढ़ा सकें। 2, कौशल केंद्र के रूप में स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। स्कूलों में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेटिव मैकेनिक्स और या अन्य इसी तरह के कोर्स। स्कूलों को उद्योगों के साथ साझेदारी करनी चाहिए, ताकि छात्रों को इंटर्नशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अवसर मिल सकें। इससे वह स्कूल के दौरान ही वास्तविक कार्य अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक परियोजनाओं और कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए, जो छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करे। स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो छात्रों में समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करे, जिससे वह जटिल जीवन परिस्थितियों में भी सफल हो सकें। स्कूल एजुकेशन छात्रों के बहुत सारी ऐसी समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करता है, जिससे वह अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं, वह अपने जीविका का उपार्जन भी कर सकते हैं, वह अपने लिए स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं, वह दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में स्किल एजुकेशन को शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे कार्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक अनुभव भी प्रदान करें। 3, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में नई और उभरती हुई तकनीकों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एक्सेट्रा।
लाइफ स्किल जैसे कि संवाद कौशल, समय प्रबंधन, नेत्र क्षमता आदि को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंध समझाने के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए छात्रों को हम एजुकेशन के साथ साथ स्किल एजुकेशन भी दें, ताकि छात्रों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी उसका पता चले और उसके साथ साथ वह अपने ज्ञान को भी वृद्धि कर सकें और एक स्किल एजुकेशन भी प्राप्त कर सकें। नंबर 4, शिक्षक प्रशिक्षण और संसाधन। शिक्षकों को नए कौशल और तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि वह छात्रों को बेहतर ढंग से मार्गदर्शन कर सकें। स्कूलों में आधुनिक उपकरण और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। नंबर 5, चुनौतियां और समाधान। आर्थिक संसाधनों की कमी, पारंपरिक मानसिकता और योग्य प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियां इस परिवर्तन के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इसके लिए नीतिगत बदलाव, वित्तीय सहायता और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। स्कूलों को कौशल केंद्रों में बदलना केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि आज के समय की जरूरत है। इससे न केवल छात्रों को अपने कैरियर बनाने में सफलता मिलेगी, बल्कि यह देश के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। NEP 2020 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है, इसलिए उन्होंने निर्देशित किया है कि बच्चों को क्लास 6 से ही स्किल एजुकेशन की शिक्षा देनी जानी चाहिए, और CBSE ने भी इस प्रकार के कोर्स का प्रावधान किया है, बशर्ते कि हमारे स्कूल ये निडरता से इसके में सामने आए और स्किल एजुकेशन को अपनाएं, स्कूल एजुकेशन को शुरू करें। स्कूल एजुकेशन एक मजाक बनकर नहीं आ जाना चाहिए। स्किल एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, स्किल एजुकेशन हमारे लिए आज की आवश्यकता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम स्किल एजुकेशन को अपनाएं, सही ढंग से अपनाएं, बच्चों को ट्रेनिंग दें, स्किल एजुकेशन दें, ताकि बच्चे स्किल एजुकेशन के पाने के बाद अपने प्रगति कर सकें, जीवन में स्वरोजगार को अपना सकें, जीविकोपार्जन कर सकें, और यदि उनको नौकरी नहीं मिलती तो वह इसके सहारे अपने जीविकोपार्जन को ले सकें। इसके साथ साथ उद्योगों में भी स्किल एजुकेशन की डिमांड होती है, उसमें भी उनको नौकरी मिल सकती है। इसलिए स्किल एजुकेशन आज की ज़रूरत है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी प्रेक्षित करें। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।